के बाद मेरा नाम है गजानन और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो गाइस आप YouTube पर काफी सारे वीडियोस देखते होंगे, लाइक टेक हो गया, ब्लॉग हो गया, एंटरटेनमेंट रिलेटेड हो गया। तो इन सारे वीडियोस पर क्या होता है कि कोई ना कोई म्यूजिक अप्लाई किया हुआ होता है जो कि वीडियोस को और भी अच्छा बेहतरीन बनाता है और हमें वीडियो की तरफ अट्रैक्टिव करता है। तो ये लोग इस म्यूजिक को लाते कहाँ से है, तो यूट्यूब से ही ये लोग इस म्यूजिक को डाउनलोड कर अपने वीडियो पर लगा कर अपलोड कर देते हैं। और गाइस यूट्यूब पर ऐसे भी चैनल है, ऐसे भी वीडियोस है गाइस काफ़ी सारे कि जिन पर लिखा हुआ होता है कि कॉपीराइट फ्री कंटेंट, और आप उस सॉन्ग को आप डाउनलोड कर आपके वीडियोस पर आप अप्लाई जैसे ही करते हो, अप्लाई करने के तुरंत बाद कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। और अगर तो कॉपीराइट कंटेंट वाला गाइस वीडियो आप बनाते हो और उस वीडियो को आप अपलोड करते हो, तो आप वीडियो अपलोड करने के बाद गाइस कुछ ही सेकंड में, 2 या 3 सेकंड में गाइस आपके वीडियो पर लिखा हुआ आता है, आप पब्लिक भी नहीं करते, प्राइवेट ही रहता है या तो अनस्टेड ही रहता है गाइस आपका वीडियो, और आपके वीडियो पर ये लिखा हुआ आता है कि कॉपीराइट कंटेंट, कॉपीराइट क्लेम, इस तरह का कुछ भी लिखा हुआ आता है। तो गाइस आप घाई गड़बड़ी में आपने जिस वीडियो को अपलोड किया है और उस पर इस तरह का लिखा हुआ आता है, तो आप क्या कर देते हो कि उस वीडियो को आप इंस्टेंट डिलीट कर देते हो। आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो को मैंने पब्लिक किया ही नहीं, प्राइवेट ही है, अनस्टेड ही है, पर इस पर कॉपीराइट क्लेम आ गया, तो आप उस वीडियो को डिलीट करते हैं। तो गाइस आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि आप इस तरह का गलती कर देते हो तो आपका चैनल डिलीट होने का खतरा रहता है, या तो आपका चैनल मोनेटाइज है तो डीमोनेटाइज भी होने का खतरा रहता है। तो इस पर क्या होता है गाइस कि वीडियो पर यदि कॉपीराइट क्लेम आ चुका है, तो कॉपीराइट क्लेम आ गया है तो उसको हटाने का भी रास्ता, तो आपको कॉपीराइट क्लेम हटाना नहीं आता तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो गाइस उस वीडियो का लिंक मैं नीचे ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख ले और आपके वीडियो पर आया हुआ कॉपीराइट क्लेम हटा दे। यदि गाइस आपके वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है या तो कॉपीराइट कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाता है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो उस पर भी गाइस आप एक गलती करते हो कि आपके वीडियोस को आप फटाक के साथ डिलीट कर देते हो, तो ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप मान लो कि गाइस आपके कोई भी वीडियो पर कॉपीराइट कंटेंट, कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, तो आप उस वीडियो को, आपको उस वीडियो को गाइस डिलीट नहीं करना है। आप जैसे कि उस वीडियो को डिलीट कर देते हो तो आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा या तो आपका चैनल यूट्यूब डिलीट ही कर देगा। तो गाइस आपके चैनल पर जैसे कॉपीराइट स्ट्राइक आया या तो कॉपीराइट कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आया, तो आपको कुछ भी नहीं करना है गाइस, उस वीडियो से आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। तो गाइस आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ भी जाता है, तो उसके बाद आपके चैनल के वीडियोस को डिलीट नहीं करना है। आपको गाइस आपके चैनल को वैसे ही रखना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि उसके बाद गाइस 1 मंथ या 3 मंथ तक गाइस आपको आपके चैनल पर कोई भी कॉपीराइट वाला कंटेंट नहीं अपलोड करना है। इससे क्या होगा गाइस कि आपके चैनल पर जो कुछ भी कॉपीराइट आया है, कॉपीराइट स्ट्राइक हो या कॉपीराइट कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक हो, तो वो गाइस 3 महीने के अंदर यानी कि 90 दिन के अंदर आपके चैनल से हट जाएगा। और यदि गाइस आप लोग इस तरह का गलती करते हो, 1 महीने के अंदर गाइस आपके चैनल पर 3 कॉपीराइट कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ जाते हैं, गाइस यूट्यूब ने बढ़ाया है, अभी 4 पड़ जाते हैं, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक 3 आते हैं, और पहले बार आता है वो हमारा हमें जागरूक करने के लिए, हमें इन्फॉर्म करने के लिए गाइस कॉपीराइट कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आता है। तो 1 महीने के अंदर गाइस या तो 1 महीना या तो 3 महीने के अंदर आपके पास 4 कॉपीराइट कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गए, तो गाइस आपका चैनल यूट्यूब खलास डिलीट ही कर देता है। इसलिए गाइस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके चैनल पर कोई भी कॉपीराइट कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक या तो कॉपीराइट स्ट्राइक आया, तो आपको हड़बड़ी में कुछ भी नहीं करना है। आपके चैनल पर गाइस आप रेगुलरली हो, तो आपको आगे में ये ध्यान रखना है कि आपके चैनल पर कोई भी कॉपीराइट वाला कंटेंट अपलोड ना हो। तो इससे क्या होगा गाइस कि आपका तो चैनल बढ़ेगा ही, पर आपके चैनल पर जो कॉपीराइट स्ट्राइक हो या तो कॉपीराइट कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक हो आया है, तो वो 3 महीने के अंदर यानी कि 90 दिन के अंदर निकल जाएगा, चला जाएगा। तो इससे गाइस आपका चैनल बच भी जाएगा और आपका चैनल अच्छा खासा ग्रो भी होगा। तो गाइस आज की इस वीडियो से मुझे यही बताना था कि आपके चैनल पर कॉपीराइट कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक या आए, या तो गाइस कॉपीराइट स्ट्राइक आए या तो कॉपीराइट क्लेम आए, आपको हड़बड़ी में कोई भी वीडियो को डिलीट नहीं करना है। जैसे कि गाइस मेरे भी चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आ गया था, जिन वीडियो पर गाइस मेरे चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आ गया था उन वीडियो को मैंने खबर किया, उससे गाइस मुझे भी कुछ भुगतना पड़ा। इसलिए गाइस मैं भी आपको इसलिए गाइस इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ कि आपको भी इन्फॉर्म हो जाए कि आपके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आए या तो कॉपीराइट क्लेम आए, तो आपको गड़बड़ी में घबराना नहीं है और कुछ भी नहीं करना है। 3 महीने के अंदर कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आया है तो वो निकल जाएगा, और कॉपीराइट क्लेम आया है गाइस, तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दिया हूँ, उस वीडियो को देख ले और आपके चैनल पर आया हुआ कॉपीराइट क्लेम को हटा दे। यदि गाइस आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आया है, तो आप किसने आपके चैनल पर कॉपीराइट कम्युनिटी गाइडलाइन
तो किसने गाइस आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक भेजा है वो आपको चेक करना है, तो उस वीडियो का लिंक गाइस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ऊपर आई बटन में भी दे दिया है, तो उस वीडियो को भी देख ले और अपने चैनल पर आया हुआ कॉपीराइट किसने भेजा है वो भी आप इंस्टेंटली इंस्टेंट चेक कर ले। तो इस वीडियो से गाइस मुझे यही बताना था कि कैसे बचना है कॉपीराइट स्ट्राइक से, कॉपीराइट कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक से और कॉपीराइट क्लेम से। तो आई होप गाइस कि इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि कैसे क्या करना है सारे प्रोसेस को। तो इस वीडियो से आपको जरा सा भी नॉलेज मिला हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ही पास वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। मिलते किसी इंटरेस्टिंग सा नए वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।